ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जब से कोई भी आत्मा बाबा के पास आती है, उसका बच्चा बनती है, उसे बाबा का ये सुंदर बोल सुनने में आता है, मीठे बच्चे, वो आत्मा सत्य राह को पाकर संतुष्ट हो जाती है। उसे लगता है कि जन्म जन्म की उसकी खोज पूरी हो गई है। जो कुछ उसे पाना था, जिसके लिए उसने भक्ति की थी, जो जीवन का अंतिम लक्ष्य था, वो उसे मिल गया। भगवान को पाकर, उससे सत्य ज्ञान को पाकर आत्मा संपूर्ण रूप से प्रसन्न और संतुष्ट हो जाती है। यह अनुभव लगभग सभी ब्राह्मणों का है। बहुत थोड़े हैं जिनको खुश होने में देर लगती है, पर जो आत्माएं आते ही प्रभु प्राप्ति से आनंदित हो उठी, जिनके जीवन में संतुष्टता का सबसे बड़ा खजाना समा गया, वे सचमुच परम सौभाग्यशाली हैं। लेकिन कईयों को ऐसा होता है, कुछ समय के बाद असंतोष उभरने लगता है, खुशी नष्ट होने लगती है, पुरुषार्थ की स्पीड धीमी पड़ने लगती है। इसका एक ही कारण है, अपने लक्ष्य को भूलना, परचिंतन और परदर्शन में लग जाना। यदि मनुष्य अपनी प्राप्तियों की खुमारी में रहे, यदि उसे अपना लक्ष्य सदा याद रहे, तो उसकी खुशी, उसकी पुरुषार्थ की स्पीड कभी खत्म नहीं हो सकती है। हम अपने लक्ष्य को इतना महान बना लें कि व्यर्थ के लिए हमारे पास समय ही न बचे। करें रिवाइज आप अपने लक्ष्य को। लक्ष्य बहुत बड़ी चीज है। लक्ष्य के बिना जो जीवन जीते हैं, उनकी स्पीड तो चींटी की ही होती है। एक महान लक्ष्य मनुष्य के जीवन में उमंग उत्साह भरता है। तो आइए हम स्वयं को बाप समान संतुष्ट मनिया बनाएं, जिनके प्रकाश से सारे संसार का अंधकार दूर हो जाए। हर हाल में संतुष्ट, विशेष रूप से दूसरों के व्यवहार में संतुष्ट, भगवान को पाकर उससे संतुष्ट, उसके प्यार से संतुष्ट, उसकी पालना से संतुष्ट, उसके ज्ञान से संतुष्ट, जो उसका हम अलौकिक अव्यक्त पाठ देखते हैं उससे संपूर्ण रूप से संतुष्ट, और सर्व खजाने पाकर संतुष्ट। सच्ची संतुष्टता तो वास्तव में सर्व खजाने प्राप्ति के बाद ही होती है। एक है जो कुछ हमारे पास है उसमें हम तृप्त रहें, वो बहुत सुंदर बात है। लेकिन हमारी वो संतुष्टता जिसको संपूर्णता कहा जाता है, वो तब आती है जब संपूर्ण ईश्वरीय खजानों से हम सुसज्जित हो जाएं। और वो है ज्ञान का खजाना, गुणों का, शक्तियों का, खुशी का, समय का, संकल्पों का, दुआओं का, पवित्रता का और पुण्य कर्मों का खजाना। ये 9 हमारे खजाने हैं जो सचमुच हमें भरपूर करते हैं, और इन खजानों से ही हमारा जन्म जन्म का भाग्य बनता है। जिसने इस समय ये खजाने जितने प्राप्त किए, वो उतना ही श्रेष्ठ भाग्य का अधिकारी होगा। तो आइए हम सभी स्वयं को तृप्त आत्मा बनाएं, सर्व खजानों से भरपूर करें। व्यर्थ में समय गंवाने का समय नहीं है। आज सारा दिन हम एक बहुत सूक्ष्म अभ्यास करेंगे, मैं आत्मा सुख स्वरूप हूँ, सुख मेरी नेचर है। फील करें इसको, बार बार याद करें, मैं आत्मा हूँ, चमकता सितारा हूँ और बहुत सुखी हूँ। अपने अंदर आज 100 बार संकल्प भर दें, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं भगवान की संतान बहुत सुखी हूँ, मैं सुख सागर की संतान ईश्वरीय सुखों से भरपूर हूँ। यदि भगवान की संतान ही सुखी नहीं होंगे, तो भला संसार में और कौन सुखी होगा। इस सुख की फीलिंग से जन्म जन्म के दुखों की लहर, उनकी छाया स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, और फिर
अभ्यास करेंगे साथ में। ऊपर से बाबा की किरणों का फाउंटेन मेरे ऊपर निरंतर पड़ रहा है, इससे सारा दिन अतिंद्रिय सुखों की अनुभूति होगी और छोटी मोटी बातों के प्रभाव से हम सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो आप सबको बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति।